पिसाच हो चाहे जिन्नात हो, भूत हो पिसाच हो चाहे जिन्नात हो, पक्का है दंगल करेंगे प्रभु, पक्का है दंगल करेंगे प्रभु। बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एंड व्यूज, मैं हूँ श्रवण शर्मा। जेठ महीने का पहला मंगल है आज और लखनऊ में भव्य भंडारे का आयोजन आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस समय लखनऊ में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी सब्जी से लेकर के तमाम चीज़ें जो है भंडारे में बांटी जा रही हैं, जिसको ग्रहण करने के लिए, जिस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दूर दराज से हर वर्ग, हर धर्म संप्रदाय के लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आ जा रहे हैं, और लखनऊ में खास तौर पर बड़े मंगल का जो महत्व है वह बेहद रोमांचित करने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि लखनऊ में बड़े मंगल का क्यों इतना महत्व है और भंडारे की क्या है खास विशेषता। जी के काम से पापियों की लंका फूकेंगे ना शंका, पापियों की लंका फूकेंगे ना शंका, इनके महलों को जंगल करेंगे प्रभु, इनके महलों को जंगल करेंगे प्रभु। बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु। सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि हिंदुओं के आराध्य हनुमान जी के जन्म से जुड़े बड़ा मंगल के मेले के पीछे मुस्लिम शासकों एवं उनके परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को यह मेला केवल लखनऊ और आसपास के इलाकों में ही दिखता है, तो इसमें लखनऊ की मिली जुली संस्कृत की गहरी छाप भी नज़र आती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ा मंगल का मेला अलीगंज के नए महावीर मंदिर के कारण आरंभ हुआ था और इस मंदिर की स्थापना ज्येष्ठ के पहले बड़े मंगल को हुई थी। यह वाजिद अली शाह का दौर था। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना और बड़ा मंगल के मेले में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मंदिर के संबंध में आस्था रही है कि यहाँ जेठ के पहले मंगल को हनुमान जी प्रकट हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगल पर नवाब वाजिद अली शाह एक ब्रह्म भोज का आयोजन करते थे और बेगमों की तरफ से बंदरिया बाग में बंदरों को चना खिलाया जाता था, साथ ही प्याऊ और शरबत की व्यवस्था होती थी। अवध के नवाबों में हनुमान जी के प्रति बड़ी आस्था रही है और नवाबी काल में बंदर की हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध था। अगर सनक में किसी ने बंदरों पर बंदूक चलाई भी है तो उसको उसका भुगतान जल्द ही भुगतना पड़ता था। नवाबी घराने की ओर से हनुमान जी को संरक्षण मिला और बेगमों की उन पर जो आस्था थी उसका प्रबल प्रतीक अलीगंज में स्थित हनुमान जी का पुराना मंदिर है, जिसे नवाब सादत अली खान की मां जनाब आलिया ने बनवाया था। हनुमान चालीसा का जो पाठ नियम से करते हैं, अंजनी के लाला खुश होकर भंडारे भरते हैं। और क्या नाम है आपका और आपने भंडारे का आयोजन किया है तो क्या सोच कर किया है? लखनऊ में तो आज के बड़े मंगल के बाद से भंडारे का आयोजन लगातार होता है, आपने किस वजह से किया? मैं जयंत तिवारी हूँ, ये मेरे बड़े बेटे रितेश जी हैं। हम लोग लखनऊ के ज्येष्ठ मास के हर प्रथम मंगलवार को भंडारे का आयोजन पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। वैसे तो लखनऊ में हनुमान जी के भंडारे के आयोजन का एक अलग क्रेज है, लेकिन हमारे परिवार में भंडारा करने का एक अलग कारण है। वो कारण ये है कि 2010 में 24 मार्च को हमारे यहाँ पौत्री जन्म पैदा हुई थी, बेटी पैदा हुई थी, तो उस बेटी को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि उसके नाम पर एक भंडारे का आयोजन हम लोग करेंगे। तो 2010 से लेकर के अब तक लगातार
क्योंकि उसका जन्म मार्च में हुआ था, जेठ का महीना जो है बजरंग बली के भंडारे का पड़ता है। बिटिया का स्वास्थ्य इस समय कैसा है और इस समय वो क्या कर रही है अपने जीवन में? हमारी कृतांजलि बिटिया है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो क्लास फोर्थ में DPS स्कूल इंदिरा नगर में पढ़ती है और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है, अभी भंडारे में भी थी वो। तो इस भंडारे को हम पूरा परिवार ही मिलकर करते हैं, हमारी पत्नी बेटा बहू नाती पोते पूरा भरा पूरा परिवार है, यही लोग मिलकर करते हैं और कुछ मित्र जो आ जाते हैं, ये SDO साहब हैं हमारे मित्र हैं, तो बाकी ये भंडारा हम लोग करते हैं। अभी हम लोग भंडारे से पहले पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसके बाद भंडारे का आयोजन करते हैं। प्रदूषण विभाग में कार्यरत हूँ, मैं इस काम को करता हूँ। इस भंडारे में आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या सहभागिता है? सहभागिता मेरी वैसी है जैसे कि पिताजी ने बताया, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारे बच्चे लेना तो सीख जाते हैं, देने की प्रक्रिया सिखाने के लिए भंडारा बड़ा उत्तम तरीका है। इसमें बच्चे हमारे देना भी सीखते हैं कि देना कैसे है, श्रद्धापूर्वक कैसे देना, विनम्रपूर्वक कैसे देना है, और दान की महत्ता को समझ पाते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा पर्व पड़ता नहीं है जिसमें हम उस तरह से उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा पाएँ कि देना कितना आवश्यक है। और उसी में हम अपनी बेटी को, अपने बड़े बेटे को, दोनों बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बताते हैं कि बेटा आप लोग देना सीखिए, श्रद्धा से देना सीखिए, मन से देना सीखिए, और ताकि आप अंदर से खुशी महसूस हो और इसके महत्व को समझ पाएँ। मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे प्रभु। किस्मत का लिखा बदलता है, संदीप गाता है, इनके टुकड़ों पर पलता है। पड़ गई गर नजर तो फिर किस्मत का लिखा बदलता है, संदीप गाता है, इनके टुकड़ों पर पलता है। जो करे भंडारे उनके भंडारे, करे भंडारे उनके भंडारे, 100% भरेंगे प्रभु, 100% भरेंगे प्रभु, बड़ा मंगल है मंगल करेंगे 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 प्रभु। हम मौजूद हैं मुंशी पुलिया चौराहे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर में, जहां पर पुजारी जी हमें मिले हैं और हम उनसे जानेंगे कि बड़े मंगल का क्या महत्व है और इसके पीछे क्या क्या रहस्य है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम जो है बिंधिवार दीक्षांत मित्र है। इस मंदिर का देख रेख हमारे जिम्मे ही है। ये बड़े मंगल का जो उत्सव चल रहा है, ये नवाबों के शहर है ये लखनऊ, और अपने हिंदुओं के आस्था से लक्ष्मण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोनों का भाईचारा और आपस में प्रेम के संबंध में दोनों समुदाय मिल करके इसको जो है बड़े मंगल का पर्व मनाते हैं, और आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से मना रहे हैं इसको, और धीरे धीरे इसका प्रचार आगे भी हो रहा है, और लखनऊ के बाद कानपुर में भी इसका प्रचार हो रहा है, कानपुर में भी बड़े मंगल का महत्व। किस चीज़ का प्रचार? बड़ा मंगल तो मंगल तो मान लीजिए कि हनुमान जी का ही दिन है, और पूरे देश में नहीं विश्व में ही मंगल की एक अपनी महत्वता है, लेकिन लखनऊ में जो है इसकी मान्यता केवल लखनऊ में थी। उसका कारण क्या है? कारण ये था कि यहाँ नवाबों का शहर था, हिंदुत्व की आराध्य देव हनुमान जी हैं, लेकिन नवाबों के शहर में इसको वो लोग भी आस्था से जुड़े के हिंदुओं की आस्था को जो है हम लोग भी बरकरार रखेंगे, और जो पूजा पाठ है, क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं क्यों रामचरण अनुरागी, अर्थात हनुमान जी से अच्छा कोई बड़ा भाग्यवान नहीं है जो कि राम की सेवा में लगे, और उसी के पुनीत कार्य के अवसर पर हिंदुओं ने भी अपनी आस्था जगाई कि जो है अगर उनकी सेवा हम करेंगे तो हमें जो है हनुमान जी से फल तो मिलेगा ही प्राप्त, अर्थात श्री रामचंद्र जी से भी उसका फल मिलेगा। शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई? तो बहुत प्राचीन है, उसको तो हम भी पूरा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब से हम आए हैं तब से इसकी परंपरा देख रहे हैं। सुनी सुनाई जो कथा है उसके बारे में कुछ बताइए। सुनी सुनाई कथा यही है कि दोनों समुदाय का प्रेम मिलाप करके आपस में भाईचारा बना रहे, इस व्यवहार से इस
बड़े मंगर का जो है शुभारंभ किया गया और सबसे प्राचीन अलीगंज जो हनुमान मंदिर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। भंडारे का अपना महत्व है और आज के दिन क्या व्रत वगैरह रहने की भी कोई परंपरा है? मंगलवार का व्रत आज के दिन से विशेष व्रत रहता है, बाकी हर मंगलवार व्रत है इनका। मंगल और शनि दोनों व्रत जो है किसी भी कामना अभिष्ट सिद्धि के लिए जो भी आदमी अगर हनुमान जी का व्रत रहना चाहे वो व्रत रह करके अपने। और जेठ महीने का ही मंगल क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जेठ महीना चूँकि अपने बारहों महीने में जेठ महीना सबसे गर्मी का महीना होता है, माने जो है सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी जो पड़ती है वो जेठ महीने में पड़ती है। इसी में एक मृगशिरा नक्षत्र आता है, उसको मृगदाह कहते हैं। मृगदाह का मतलब होता है कि मृगा भी अपनी पानी की तृष्णा के लिए दौड़ पड़े। ऐसी गर्मी में अगर एक पंडाल या इस भंडारे का स्थान लगा करके आप किसी को पानी पिला दे रहे हैं, परोक्ष रूप से किसी का शरबत पिला दे रहे हैं, बूंदी बटवा दे रहे हैं, ये खड़े होने के लिए आदमी नहीं खड़े हो पाता है, इतनी भयंकर गर्मी होती है। लेकिन इनकी आस्था ऐसी है कि इनकी लगन ऐसी है कि उसमें आदमी रमा रहता है, किसी को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है इनके चरण में रहने के कारण। और महीना जो है जेठ का बहुत ही गर्मी का महीना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जेठ महीने का बड़ा मंगल आज है और अभी आने वाले हर सप्ताह में लगभग पूरे महीने जो है चार मंगलवार टोटल हैं, जिसमें आप चाहें तो अगर व्रत रहें या भंडारा करवाएं या अपनी स्वेच्छा और इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप करना चाहें जन समुदाय के हित में या धर्म के बढ़ावे को लेकर, तो आप जरूर करें और इससे जो लाभ मिलेगा वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। भूत हो पिशाच हो चाहे जिन्नात हो, पक्का है।